आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे लक्षण जो न्यूबॉर्न बेबी में दिखे तो आपको उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। फर्स्ट, नॉट पासिंग यूरिन और स्टूल। जनरली एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी अपने जन्म के 4 से 6 घंटे के बाद ब्लैक कलर का पॉटी करता है, जिसे मैकोनियम कहते हैं। अगर बच्चा जन्म के 24 घंटे के बाद भी पॉटी नहीं करता है या बर्थ के 48 आवर्स के बाद भी टॉयलेट नहीं करता है, तो आपको ये डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। ये बच्चे में कोई सीरियस प्रॉब्लम होने के लक्षण हो सकते हैं, इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, फास्ट ब्रीथिंग। न्यूबॉर्न बेबी 1 मिनट में लगभग 40 से 60 बार सांस लेते हैं और जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेते हैं। कोई भी नवजात बच्चा जब 1 मिनट में 60 बार से ज्यादा सांस ले रहा है और साथ में उनकी पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ये किसी लंग्स डिजीज या कार्डियल डिजीज के लक्षण हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे में आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। थर्ड, ब्लूइश स्किन कलर। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी के स्किन में अचानक चेंजेस देखने को मिलते हैं, बच्चे का हाथ पैर या होंठ नीला दिखाई देता है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। नवजात शिशु के हाथ पैर नीले होने को साइनोसिस कहते हैं। बच्चे में अगर साइनोसिस के सिम्टम्स दिखे तो बिना देरी के तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फोर्थ, अनकंसोलेबल क्राई। न्यूबॉर्न बेबी जब कंटिन्यू रो रहा है, बिल्कुल चुप नहीं हो रहा है, चाहे आप उसे गोद में लेकर घुमा रहे हैं या दूध पिला रहे हैं या चुप करा रहे हैं, तो भी बच्चा अगर चुप नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे को कोई इंटरनल पेन या कहीं दर्द हो रहा हो। ऐसे में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। फिफ्थ, पुअर फीड इनटेक। न्यूबॉर्न बेबीज जनरली हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग का डिमांड करते हैं। अगर 5 से 6 घंटे हो गए हैं फिर भी बेबी अगर दूध का डिमांड नहीं कर रहा है, या अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं और बच्चा 1-2 बार शक करके छोड़ दे रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपका बच्चा सिक हो गया है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो शक करके दूध पी सके। ऐसे में आपको किसी पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और उन पेरेंट्स से शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं। और बेबी केयर के ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हे बेबी को सब्सक्राइब करें।